हाय गाइज, आपको हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया पर पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन का जवाब पूर्ण रूप से पता चल सके। यदि इस क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से पता होगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। चलिए तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसके लिए आपके आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे तथा उसके बाद 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आफ्टर दैट आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो चलिए, इस प्रश्न के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है अभिमन्यु, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है अशोक तथा ऑप्शन डी है कामधेनु। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति। आज के लिए आपके लिए अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी तथा ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए रतौंधी का कारण है, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब तथा ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु पोंगल राज्य की फेमस फेस्टिवल है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गिधा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश तथा ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब राज्य की यह लोक नृत्य है जिसका नाम है गिद्धा और भंगड़ा। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है जे एल बेयर्ड, ऑप्शन बी है बी पास्कल, ऑप्शन सी है मैकमिलन तथा ऑप्शन डी है जी मार्कोनी। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जेएल बेयर्ड टेलीविजन का यानी टीवी का आविष्कारक है। बी पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कारक है, साइकिल का आविष्कारक मैकमिलन जी है तथा रेडियो का आविष्कारक जी मार्कोनी जी है। इन चारों ऑप्शन का डिटेलिंग यह है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, रजिया सुल्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मछली किसके सहायता से सांस लेती है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, स्किन की सहायता से, आंखों की सहायता से, गलफड़ा की सहायता से या इनमें से सभी से। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी गलफड़ा की सहायता से मछली अपनी सांसें लेती है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है अमृत सिंह कौर तथा ऑप्शन डी है मनोहर जोशी। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि भगत सिंह, इंकलाम जिंदाबाद का नारा दिया था। अब चलते हैं आज के अगले और दसवें प्रश्न की ओर। आज का दसवां प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है पानीपत, अमृतसर, लाहौर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 11 अप्रैल 1919 को हुई थी अमृतसर में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है फॉरवर्ड ग्रुप, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी है फॉरवर्ड चैनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का 12वां प्रश्न है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है विपिन चंद्रपाल तथा ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि लाला लाजपत राय के नाम से पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है सुभाष चंद्र बोस ने, मंगल पांडे, भगत सिंह या फिर खुदीराम बोस ने। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है ऑप्शन ए है बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है सीता सिन्हा तथा ऑप्शन डी है मीरा कुमार। तो आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसके लिए ऑप्शंस है बछेंद्री पाल, संतोष यादव, इंदिरा सावंत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि संतोष यादव। संतोष यादव एक महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सन्यास सेन या फिर A1B दोनों द्वारा मिलकर। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है मूलशंकर, ऑप्शन सी है अभिषेक तथा ऑप्शन डी है शांतनु। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है मंगल पांडे, ऑप्शन सी है तात्या टोपे तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मंगल पांडे 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है मंगल पांडे, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई तथा ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय।
तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। अब चलते हैं आज के अगले और आज का अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है युवा दिवस के रूप में। अब चलते हैं अंतिम स्लाइड की ओर। तो दोस्तों यह था आज का हमारा 20 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेशन। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें, अन्यथा नहीं करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सुबह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं तथा टेलीग्राम चैनल को उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग खास करके महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।